कोरोना के कोहराम के बीच अमेरिका से आई गुड न्यूज। अमेरिका के पिट्सबर्ग स्कूल में बनाई गई कोविड 19 वैक्सीन। लुइस फॉलो वैज्ञानिक के अनुसार स्पाइक प्रोटीन जो सभी वायरस में पाया जाता है, जिस तरह मनुष्य को अपने ताकत को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसी तरह स्पाइक प्रोटीन वो चीज़ है जिस वजह से वायरस को ताकत मिलती है, जिससे वायरस को फैलने में मदद मिलती है। अब वायरस के स्पाइक प्रोटीन चैन को वैज्ञानिकों ने ब्लॉक कर दिया है और इसमें सफल वैज्ञानिकों की तरफ से चूहों पर किया गया टेस्ट, जिसमें चूहों को पहले कोरोना वायरस से संक्रमित किया गया और 14 दिनों तक वैज्ञानिकों के निगरानी में रखा गया। चूहों को वैक्सीन दिए जाने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक तैयार हुए, जिसके आगे कोरोना वायरस झुक गया, उसका खात्मा हो गया। इसमें भी वैज्ञानिकों ने पाई सफलता। आमतौर पर 3 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पहले चूहों पर, उसके बाद बंदरों और आखिरी में मानव पर किया जाता है। लेकिन चूहों पर कोई साइड इफेक्ट न होने पर और ये वैक्सीन इस्तेमाल में कम जोखिम वाली है, इसलिए अब वैक्सीन को डायरेक्ट मानव में टेस्ट किया जाएगा। ये वैक्सीन कोई इंजेक्शन की तरह नहीं, ये एक चिप की तरह है, जिसे शरीर पर कहीं पर भी आसानी से चिपकाई जा सकती है। चिप के अंदर 400 माइक्रो नीडल बनाए गए हैं, जिससे दवा शरीर के अंदर आसानी से पहुंच। वैज्ञानिक लुइस फॉलो कहते हैं, ये वैक्सीन लैब में एक आदमी एक दिन में 100 वैक्सीन तैयार कर सकता है। ये हर एक आदमी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। वैज्ञानिकों का मानना है, इंडिया में जो कोरोना वायरस पाया गया उसकी ताकत बहुत ही कम है दूसरे देशों की अपेक्षा, क्योंकि सभी देशों में कोविड ट्रिपल स्पाइक है या 3 गुना ताकत है, और इंडिया में ये सिंगल स्पाइक पाई गई है। ये भी सभी एक आम आदमी के लिए एक नई